मंजुला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सांचा वर्क। तो आइए आज हम आपको सांचा वर्क के जरिए ऊन से टीवी कवर, हाल पोस एवं साल बनाना बताएंगे। इस सांचा के जरिए और भी कई वस्तु बना सकते हैं। इसकी सामग्री है, जैसे कि हम अगर टीवी कवर बनाएंगे तो दो कलर का ऊन, जिसमें एक डार्क लेंगे और एक लाइट कलर। डार्क कलर 300 ग्राम और लाइट कलर 100 ग्राम लेंगे। एक सांचा जो ऊन वाली साफ में मिल जाएगा, एक ऊन वाली क्रोशिया और ऊन वाली सुई लेंगे। बस इतने ही सामग्री से यह टीवी कवर बनाएंगे। आइए इसको बनाना बताते हैं। देखिए ये सांचा है, इसे इधर से ऊन लपेटेंगे। जैसा कि अभी ये पीछे तरफ है, ऊन लपेटने से पहले इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसा बाहर निकल आएगा। ऐसे इसको धीरे से घुमाना है, ऐसे इस प्रकार। और अब इसमें ऐसे करके इसको किए और ऐसे करके अब इसमें ऊन को लपेटेंगे और सुई से इसको बीच से टांगेंगे। तीन बार इसको लपेटना है, दो और ये तीन। जब तीन हो जाए, बीच को अंगूठी में दबाएंगे, सेंटर को अंगूठी से दबा के रखेंगे और इस प्रकार ऐसे करेंगे, दो और ये तीन। बस तीन तीन बार लेना है और बस सेंटर को अंगूठी से दबा के रखना है। ये देखिए ऐसे तीन हो गए इसका, और फिर सेंटर दबा बस इसी प्रकार करते जाएंगे। तो यह एक बार में एक एक फूल बन जाएगा। एक बार में एक फूल तीन तीन बार लपेटते हुए, ये देखिए अब इसका एक फूल ये बन चुका है। अब इसको बीच को पकड़ लेंगे अंगूठे से दबा के और ऊन से, उसी कलर की ऊन से इस प्रकार सिलाई करेंगे। इस प्रकार इसे गठान लगा देंगे। अंगूठे में जो दबाए हैं उसे छोड़ना नहीं है, जब तक सिलाई ना ये सुई धागे से ना हो जाए तो दबा करके ही रखना है। बस ऐसे घूमते जाना है। बाद में पूरा जब ये हो जाए, लगे कि ये बंध गया पूरा, तब इसको सांचा को अंदर इसको लेके इस फूल को निकाल देना है। इस प्रकार पूरी सिलाई इसकी बीच से ये बंध जाएगा अच्छे प्रकार से। और इसको निकालने के बाद, निकालने के लिए बस इसे अंदर करेंगे और यह एक फ्लावर निकल आएगा। फिर कैंची से इसको यहाँ से काट देना है तो ये फूल ये बन जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारे फूल बना के रखने हैं। तो गठान लगा देंगे, उसके बाद ही इसको सांचा को घुमा के निकालेंगे। इस प्रकार जब पूरी सिलाई हो गई तब इसको गठान लगा देंगे इस प्रकार, और इसे अंदर करके
देखिए इस प्रकार का पहले फूल बनाएंगे, उनसे आपको एक बना के बताते हैं। ये साचा है मार्केट में, ये जहाँ इस प्रकार का सामान मिलता है फैंसी स्टोर में मिल जाता है। देखिए इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये सारे ये बाहर निकल आएंगे इसका कांटा। और इस प्रकार इसको ढीला बनाना है। देखिए तीन बार करेंगे, एक दो और ये तीन, बीच का अंगूठे से दबा के रखेंगे। अब ऐसे बदलते जाएंगे तिरछे आकार में तीन बार, बस ढीला लपेटना है, बीच का पकड़े रहेंगे। तीन, बस इसको थोड़ा ढीला करेंगे, निकालते समय अच्छे से निकलेगा। इसको मैचिंग कलर के धागे से सुई में करके इसको बांधना है। ये हो गया तीन, इसको यहाँ से काट देंगे और देखिए इस प्रकार बांधेंगे इसको। इसका जो चीरा है इसे भी ऐसे दबा लेंगे बाद में इसको गठान लगाने के लिए। अब देखिए हर एक बार ऐसे करते जाएंगे ताकि इस फूल की सभी कली एक एक करके बंधते जाएगा। ये देखिए दो को पार करेंगे और एक के नीचे से निकालेंगे, हर कली बंधते जाएगा। देखिए जहाँ से इसको बांधना शुरू किए हैं वहीं पहुँचने के बाद गठान लगा देना है। ये देखिए यहाँ से शुरू किए थे अब यहीं पहुँच गए, अब गठान लगाएंगे। इस प्रकार एक सिरा पकड़ के जो पहले रखे थे दबा के उसी सिरे को पकड़ के गठान लगा देंगे। इसको भी काट देंगे। अब इसको इस प्रकार अपने तरफ ऐसे घुमाएंगे और यह निकल आएगा। देखिए निकालते समय एक कली को निकालने के लिए थोड़ा सा रखता है, इसके बाद निकल आएगा। देखिए एक दो को ऐसे उठा देंगे तो पूरा निकल आएगा। देखिए पूरा ये निकल गया फ्लावर। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे बना लेंगे। और अब इसको जोड़ने का तरीका बताते हैं। साचा है ये, ऐसे करेंगे इसको और बांधना शुरू करेंगे, निकालते समय ऐसे करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। इसके क्रोसिया ऐसे क्रोसिया लेंगे, धागे वाली क्रोसिया, और सफेद ऊन से इसको जोड़ेंगे। ये जो साचा है ऐसा पकड़ के इसको अपने तरफ ऐसे करेंगे तो ये निकल आएगा पूरा ऐसे। और बस तीन तीन बार हल्के ऐसे लपेटते जाना है, तीन तीन बार ऐसे, बस ऐसे कस के नहीं लपेटेंगे इसको। देखिए इस प्रकार फूल बनते जाएगा और निकालते समय इसको ऐसे करेंगे। ये देखिए पूरा फिर ये निकल आएगा। बस इसी प्रकार ढेर सारे फूल बना लेना है जोड़ने से पहले। देखिए इसको सारे फूल को जोड़ने का तरीका, जो भी चीज बनाएंगे उसके नाप अनुसार जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़ने के लिए ये धागे वाली क्रोसिया है, इससे फूल का एक कली पकड़ लिए और देखिए जोड़ने को समझना है। देखिए इसको कितना लगना है और इसको
पहली बार जिस कली में जोड़े हैं उसी में लाएंगे। ये एक ऐसे बन गया। ये देखिए एक ही बार इसको बनाना। अब इससे जस्ट इसके बाद वाले कली को पकड़ना, इसको चार या पांच बार इसको बुनाई करेंगे। इसके बाद वाली एक कली फिर पकड़ेंगे, तब इसके साथ दूसरा फूल जुड़ेगा। इसको चार या पांच बार करना है, पांच ही बार करते हैं। इसके एक तीन ये क्रोशिया ऊन धागे वाली क्रोशिया है, इसीलिए ऊन पार हो जाता है। अब इसके साथ इसको जोड़ना शुरू करेंगे। देखिए दूसरा फूल जुड़ेगा। इस समय बताते हैं, सबसे पहले यहाँ जुड़े, यहाँ पे एक 10 चैन का एक कंगूरे बनाए इसको, उसके बाद यहाँ से जस्ट उसके बाद वाली कली में लाए, पांच चैन बुनाई करे, फिर वहाँ से पांच बुनाई करके यहाँ लाए। अब ये बाजू वाला, इसमें ये वाला फूल यहाँ पे जुड़ेगा। बस इसका जोड़ने का तरीका थोड़ा समझना होता है। फिर पांच चैन बना लेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट किए थे, एक कली बनाए हैं, ये और सारे फूलों के साथ जोड़ना। एक कली यहाँ से यहाँ ला, यहाँ से यहाँ ला, दूसरा फूल जोड़ गया। अब देखिए इसको किधर ले जाएंगे। बस इसी प्रकार सारे फूल को जोड़ते जाना है। देखिए इसको जोड़ने का तरीका एक बार और समझाते हैं। ये धागे वाली क्रोशिया से जोड़ना है, जैसे कि देखिए यहाँ से स्टार्ट की हैं, एक फूल लिए, उसके एक कली से ऐसा पांच चैन बनाए, फिर मोड़ के पांच 10 चैन, वहाँ से जस्ट उसके बाद वाली कली में लाए, इससे यहाँ लाए और इसको पकड़ लिए, ये इसके साथ जुड़ गया, फिर ऐसे जोड़े, फिर यहाँ से ऐसे गए, तो इससे फिर एक कली यहाँ से बांध दिए, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से तीसरा फूल जोड़ लिए और यहाँ एक कली यहाँ आके फिर एक कली यहाँ से जोड़ लिए, यहाँ से यहाँ गए तो इसमें चौथा फूल जोड़े, चौथा फूल से यहाँ आए, यहाँ से फिर ये चौथी कली, बस इसी प्रकार जोड़ते जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ फिर एक फूल जुड़ेगा, उसके बाद यहाँ फिर ऐसे जितना हमें चाहिए उतना इसी प्रकार जोड़ते जाएंगे। जब यहाँ से मुड़ेंगे तो इस प्रकार ऐसे फिर जोड़ते जाएंगे, बस इसी प्रकार जोड़ते जाना है। देखिए जैसा भी बताएं बिल्कुल उसी प्रकार जोड़ते जाएंगे और किनारे पे या कंगूरे बनाएंगे किनारे में, इस प्रकार बहुत सारे बना के जोड़ के टीवी कवर थाल पोस जो आपको चाहिए वो बना सकते हैं। बस जोड़ने का तरीका सेम यही रहेगा, पूरा बनाने के बाद ऐसा कंगूरे बना देंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ये देखिए इसे बचे हुए ऊन से बनाए हैं, पहले इस प्रकार बचा हुआ ऊन से डेमो बना लीजिए। डेमो बनाने के बाद ही जो भी आइटम बनाए उसे बना सकते हैं।